दोस्तों क्या आप भी यूके में स्पॉन्सरशिप जॉब्स ढूंढ रहे हैं? क्या आप भी चाहते हैं कि कम से कम पैसों में आपको यूके का वीजा मिल जाए, आप यूके पहुंच जाए, आपको किसी एजेंट को एक भी रुपया ना देना पड़े? तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको जिस कंपनी के बारे में बताने वाला हूं, ये कंपनी आपको आपके घर से उठा के यूके ले जा सकती है, लेकिन उसके लिए आपके अंदर स्किल्स एंड पोटेंशियल्स होने चाहिए। दोस्तों यहां पर जो जॉब्स अवेलेबल आज मैं बताने वाला हूं दोस्तों, ये जो है हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड जॉब्स है, और जो कंपनी बताने वाला हूं दोस्तों, ये कंपनी जो है 70,000 स्पॉन्सर लिस्ट कंपनीज में से एक कंपनी है जो कि आपको स्पॉन्सरशिप दे सकती है। इस कंपनी के अंदर अभी होरेका से रिलेटेड बहुत सारी जॉब्स है। होरेका मतलब होता है दोस्तों होटल्स, रेस्टोरेंट और केटरिंग से रिलेटेड बहुत सारी जॉब्स आपको देखने के लिए मिल जाएगी। शेफ दे पार्टी, शेफ दे रंग, बारटेंडर, फूड एंड बेवरेजेस असिस्टेंट और ऐसी बहुत सारी जॉब्स। दोस्तों अभी तो मैंने बस कुछ नमूने बताए हैं। अगर आप इस कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे इस कंपनी में अप्लाई करके आप अपने पैसे बचा सकते हैं, कैसे आप खुद से अपने बल पे यूके जा सकते हैं दोस्तों, तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरा का पूरा तरीका बताने वाला हूं दोस्तों। आपको जो है स्टेप मतलब वन से लेकर के स्टेप एंड स्टेप तक बताने वाला हूं कि भैया आपको एप्लीकेशन कैसे चालू करना है और एप्लीकेशन चालू करके जो है आपको अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। इसीलिए मैं आपको बोलूंगा कि वीडियो स्किप मत कीजिएगा दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। साथ ही अगर आप इस कंपनी के अंडर जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे दूं कि दोस्तों आपको जरूरत पड़ने वाली है एक यूके फॉर्मेट के सीवी और कवर लेटर की। अगर आपके पास वो सीवी और कवर लेटर है तो बहुत अच्छी बात है, दोस्तों नहीं है तो आप हमसे बनवा सकते हैं नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट करके। एक बार आपका सीवी और कवर लेटर बन जाता है दोस्तों, तो उसके बाद आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और जॉब्स के लिए अप्लाई करने के बाद आपको रिस्पॉन्स का इंतजार करना होता है। लेकिन मैं आपको फिर से बता दूं कि सिर्फ एक दो जॉब्स के लिए अप्लाई करके रिस्पॉन्स का इंतजार मत कीजिए, ऐसे जो है आप इंतजार करते रह जाएंगे। आपको जो है हर दिन करीब 5 से 10 जॉब्स के लिए अप्लाई करना है ताकि आपके सिलेक्ट होने के, आपके शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस ज्यादा से ज्यादा रहे, ठीक है। सपोज एक कंपनी में आपको जॉब नहीं मिली तो आपको जो है दूसरी कंपनी में शॉर्टलिस्ट होने का मौका मिल सके, तीसरी कंपनी में शॉर्टलिस्ट होने का मौका मिल सके। अगर आप ज्यादा से ज्यादा अप्लाई करोगे दोस्तों तो आपके पास ऑप्शन बहुत सारे होंगे, आपको ऐसा बैठना नहीं पड़ेगा कि हाँ भाई ये कंपनी मतलब रिस्पॉन्स देगी तो मैं जाऊंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा कंपनीज में जॉब के लिए अप्लाई करो। हम आपको बताते रहेंगे अपने चैनल पे कि कौन सी कंपनी हायर कर रही है और कौन सी कंपनी हायर नहीं कर रही है, तो इसीलिए बस हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा दोस्तों। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आपका ज्यादा टाइम वेस्ट करूंगा नहीं दोस्तों, अब आपको जो है डायरेक्ट इस कंपनी की वेबसाइट पे लेके चलता हूं और आपको बताता हूं अप्लाई करने का तरीका, तो चलिए चलते हैं। दोस्तों जिस यूके की कंपनी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ उस कंपनी का नाम है स्क्लॉस रॉक्सबर्ग। ये जो एक हयात होटल का पार्ट है दोस्तों, ये होटल बहुत ही बड़ा नामी ग्रामी होटल है अभी स्कॉटलैंड में, और यहाँ पर अगर आप जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अभी मैं आपको पूरा का पूरा तरीका बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको गूगल पर सर्च करना है स्क्लॉस रॉक्सबर्ग। अगर आप नहीं भी सर्च करना चाहते दोस्तों तो मैं आपको जो है डायरेक्ट वेबसाइट की लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने होटल की मेन पेज को ओपन कर लिया है, होम पेज पर आ चुके हैं दोस्तों, और यहाँ पर लिखा हुआ है पार्ट ऑफ डेस्टिनेशन बाय हयात, और ये होटल की वीडियोस देख सकते हैं आप। होटल का कुछ मतलब ये लोग जो है पोर्टफोलियो दिखा रहे हैं कि ऐसा ऐसा होटल है, ऐसा ऐसा कमरा है, ताकि जो लोग विजिट करें बुकिंग वगैरह करने के लिए वो देख करके चमक जाए, समझ रहे हो। तो फिर अगर आप इस होटल के बारे में ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हो तो आप इसी पेज पे से ले सकते हो दोस्तों, होम पेज पे आपको ज़्यादातर जानकारी मिल जाएगी इस होटल के बारे में। लेकिन क्योंकि हमें जो है यहाँ पर जॉब्स के लिए अप्लाई करना है दोस्तों, तो हमें ये सारी चीज़ें इग्नोर करके सबसे नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। नीचे की तरफ स्क्रॉल करते जाएंगे यहाँ पर आपको सर्विसेज वगैरह देखने को मिल जाएंगे, इनके इवेंट्स वगैरह सब कुछ देखने को मिल जाएंगे, इनके बारे में जानकारी मिल जाएगी दोस्तों। और जब हम सबसे नीचे पहुंचेंगे तो लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं दोस्तों एक इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन होगा और उसी में एक करियर का ऑप्शन होगा दोस्तों। करियर वाले ऑप्शन पर हमें सिंपली क्लिक कर लेना है, ठीक है। करियर वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं होटल करियर लिखा हुआ है यहाँ पर, योर फ्यूचर डिपेंड्स ऑन व्हाट यू डू टुडे। आपका फ्यूचर डिपेंड करता है कि आप आज क्या करते हो उस पर, ठीक है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि आपको कहाँ पर काम करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि योर वर्क प्लेस विल बी इन स्कॉटलैंड, आपका वर्क प्लेस जो है स्कॉटलैंड में होगा, आपको करना क्या क्या होगा वो सारी चीज़ें यहाँ पर देखने की मिलेंगी। आपके लिए इसमें क्या है अगर आप यहाँ जॉब के लिए अप्लाई करोगे तो बेनिफिट्स वगैरह क्या क्या है, यहाँ पर्क्स देख सकते हैं आप। कंपिटेटिव सैलरी मिलेगी आपको, 30 डे की हॉलीडे मिलेगी और पेड हॉलीडे वो भी 1 साल के सर्विस के बाद, 50% डिस्काउंट मिलेगा फूड एंड बेवरेज पे, उसके बाद आपको 30% का डिस्काउंट मिलेगा प्रो शॉप में, उसके बाद जब आप शिफ्ट पे रहोगे तो आपको खाना फ्री मिलेगा, सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, ऑन साइट पार्किंग वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। और नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो हमको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा करियर अपॉर्चुनिटीज़ का एक ऑप्शन। यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर फुल टाइम पार्ट टाइम सारी टाइप की जॉब्स आपको देखने को मिल जाएगी, और अगर आपके लायक यहाँ पर कोई जॉब नहीं है जिस टाइप की आप जॉब करना चाहते हो तो भी आप सीवी और कवर लेटर भेज सकते हो HR@SclossRoxburg.com पे, ताकि अगर कल को कोई जॉब ओपन होती है तो आपके
सीवी को रिव्यू करके आपको रिस्पॉन्स भेजा जा सके। उसके बाद आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर जॉब्स कितनी सारी अवेलेबल है, ग्रुप कॉन्फ्रेंस एंड इवेंट्स के लिए मेंटेनेंस असिस्टेंट की जॉब अवेलेबल है, शेफ दे रंग, फूड एंड बेवरेजेस असिस्टेंट, बार टेंडर, शेफ दे पार्टी, किचन पोर्टर, शू शेफ, ब्रेकफास्ट शेफ, क्लब हाउस शेफ दे पार्टी, फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट, गेस्ट सर्विस होस्ट, और उसके बाद आप देख सकते हैं नाइट गेस्ट सर्विस होस्ट, ड्यूटी मैनेजर, हाउसकीपर, हाउसकीपिंग पोर्टर, पब्लिक एरियाज हाउसकीपर, स्पा थेरेपिस्ट, और ना जाने कितनी सारी जॉब्स अवेलेबल है दोस्तों। नाम लेते लेते थक गया मैं तो, इतनी सारी जॉब्स अवेलेबल है और इन सभी जॉब्स के लिए आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। आपको जॉब पे क्लिक करके जो है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज पढ़ लेनी है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स मांगी जा रही है वो सारी चीज़ें पढ़ लेनी है। सपोज अभी मैंने फूड एंड बेवरेज असिस्टेंट की जॉब को ओपन किया दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं पर्क्स वगैरह, वही सारी पर्क्स जो बाहर लिखी हुई थी जो मैंने आपको बता दिया है, वही सारी चीज़ें यहाँ पर भी लिखी हुई हैं। और राइट साइड में जो है आपकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखी हुई है कि आपको जॉब में क्या क्या करना होगा। रिस्पॉन्सिबिलिटीज वगैरह पढ़ लेना दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आप ये काम कर सकते हैं तो आपको जो है नीचे की तरफ स्क्रॉल कर लेना है। नीचे की तरफ स्क्रॉल करने के बाद आपको जो है एक छोटा सा एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा दोस्तों, लेकिन मैं फिर से बोलूंगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ना मत भूलना, ठीक है। इस एप्लीकेशन फॉर्म में आपको अपना नेम, ईमेल एड्रेस, टेलीफोन नंबर भरना है, जॉब एप्लीकेशन एज आपको जो है यहाँ टाइटल सिलेक्ट करना है, उसके बाद योर मैसेज में आपको जो है अपना कवर लेटर पेस्ट करना है। अभी मैं आपको अपना कवर लेटर पेस्ट करके नहीं दिखाऊंगा, अभी आपको छोटा सा मैसेज टाइप करके दिखाऊंगा और उसके बाद जो है अप्लाई करके दिखाऊंगा। यहाँ पर आपको अपना जॉब टाइटल सिलेक्ट कर लेना है कि कौन से जॉब के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पर अभी मैं लिख देता हूँ आई एम इंटरेस्टेड इन दिस रोल, लेकिन यहाँ पर आपको जो है अपना कवर लेटर पेस्ट करना है। फिर से आपको बोल रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। कवर लेटर पेस्ट करने के बाद ड्रैग डॉक्यूमेंट्स फॉर अपलोड हियर लिखा हुआ है ना, इस पर जाकर के हमें जो है अपना सीवी सिलेक्ट करना है दोस्तों। सीवी सिलेक्ट करने के बाद नीचे ओपन पे क्लिक करना है, ओपन पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे उसके बाद जो है हमारा सीवी अपलोड होगा। आप देख सकते हैं ऊपर जो है ये ग्रीन कलर का बार आपको बढ़ता हुआ दिख रहा होगा, ये जो बार दिख रहा है दोस्तों, इस बार को जब एंड तक पहुंच जाएगा ये बार, तो मतलब हमारा सीवी जो है अपलोड हो जाएगा। अभी देख सकते हैं दोस्तों कि मेरा सीवी अपलोड हो चुका है। अब मेरे पास ऑप्शन है सेंड का, सेंड पे क्लिक करेंगे, सेंड पे क्लिक करते ही जो है हमारा एप्लीकेशन जो है हायरिंग मैनेजर तक पहुंच जाएगा दोस्तों। आप देख सकते हैं यहाँ पर अब एप्लीकेशन फॉर्म जो था छोटा वाला, वो एप्लीकेशन फॉर्म आपको देखने के लिए नहीं मिल रहा है। ऊपर नीचे आप कहीं भी देख लो, ठीक है, यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा थैंक यू फॉर योर इंक्वायरी, यू विल रिसीव आवर आंसर एज सून एज पॉसिबल, यानी कि दोस्तों आपने अप्लाई कर दिया है एकदम सक्सेसफुली। देखा दोस्तों कितनी सारी जॉब्स अवेलेबल थी, आप इन सभी जॉब्स के लिए बहुत आसानी से अप्लाई कर सकते हैं मात्र 2 मिनट के अंदर में। छोटा सा एप्लीकेशन फॉर्म है दोस्तों, आपको सेलेक्ट करना है कि आपको कौन सी जॉब के लिए अप्लाई करना है, कवर लेटर पेस्ट करना है, सीवी अपलोड करना है, उसके बाद सबमिट कर देना है। इतना आसान तरीका आपने देखा नहीं होगा जॉब अप्लाई करने का। एक्चुअली ये ईमेल पे सीवी और कवर लेटर भेजने से भी आसान है दोस्तों। आपको ईमेल पे सीवी कवर लेटर भेजने के लिए जो है थोड़ा कॉपी पेस्ट झंझट झुंझट करना पड़ता है। इसमें आपको अपना नाम पता तो पता है, ईमेल आईडी पता है, फोन नंबर पता है, जब डालने के बाद सबमिट कर दिया। जैसे ही आप सबमिट करते हो दोस्तों आपका जो है एप्लीकेशन सेंड हो जाता है, आपका एप्लीकेशन जो है हायरिंग मैनेजर तक पहुंच जाता है। और जब वैकेंसीज क्लोज हो जाती है दोस्तों, तो हायरिंग मैनेजर जो है सारे एप्लीकेशंस को सारे मतलब सीवीज को जो है रिव्यू करता है, और उसको जो लगता है कि भैया हाँ ये बंदा सुटेबल है, हाँ भैया इस बंदे के पास पोटेंशियल है, तो उसको जो है रिस्पॉन्स आता है दोस्तों। अगर आपके पास स्किल्स हैं, पोटेंशियल्स हैं, क्वालिफिकेशंस हैं, तो दोस्तों वेट करना छोड़ दीजिए, जल्द से जल्द जॉब्स के लिए अप्लाई करना चालू कीजिए। और अगर सीवी और कवर लेटर चाहिए यूके फॉर्मेट का, तो मैं आपको फिर से बताऊंगा दोस्तों कि आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया। वीडियो को पसंद आया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।